अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हम्माद और आप देख रहे हैं टेस्टी फूड हम्माद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह के फजलो करम से हम भी खैरियत से। तो आज मैं सभी की फेवरेट चॉकलेट रेस्टोरेंट स्टाइल चॉकलेट मिल्क शेक की रेसिपी लेकर आया हूँ। ये तो सभी बच्चों को पसंद होते हैं, साथ में बड़ों को भी। जिसका शुगर ना वो भी आप पी सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी रेस्टोरेंट में आप जाके बहुत महंगे पीते होंगे। आप घर में बनाएं बच्चों के लिए, उसके लिए यह देखिए एक मैंने जग ले लिया। सबसे पहले मैं इसके अंदर डाल दूंगा 2 कप दूध। यहाँ मैंने 1 लीटर दूध लिया, फिलहाल मैं 2 कप डाल रहा हूँ। ठंडा दूध है मेरे पास। ये देखिए दूध मैंने डाल दिया और अब मैं इसके अंदर डालूंगा मिल्क पाउडर। ऑप्शनल है, आप स्किप कर दें, इससे और टेस्ट इन्हेंस हो जाएगा। और फिर मैं इसके अंदर डाल लूँगा मिल्क चॉकलेट। ये देखिए मैं 2 स्कूप डाल रहा हूँ। और फिर मैं इसके अंदर डाल लूँगा 2 ओरियो बिस्किट। ये देखिए मुझे ओरियो बिस्किट पसंद है तो इसलिए मैं ये ऐड कर रहा हूँ, वरना आप इसके अलावा और भी बिस्किट ऐड कर सकते हैं, लेकिन ब्लैक ही लीजिए क्योंकि चॉकलेट मिल्क शेक है। और अब मैं इसके अंदर डालूँगा चॉकलेट सिरप, ये 2 टीस्पून। ये देखिए 2 टीस्पून मैंने डाल दिए। और अब मैं इसके अंदर डाल लूँगा 2 स्कूप वनीला आइसक्रीम। आप इस जगह और भी फ्लेवर के आइसक्रीम ले सकते हैं। मैंने 2 स्कूप भर के डाले। यहाँ देखिए मैं हैंड ब्लेंडर यूज़ कर रहा हूँ। अगर ये आपके पास ना हो तो आप किसी भी किस्म का कोई भी प्रोसेसर और कोई भी ग्राइंडर ले सकते हैं, ग्राइंडर जग जो आपके पास मौजूद हो, लेकिन मैं हैंड ब्लेंडर ले रहा हूँ। और अभी स्टार्ट करेंगे। ये देखिए अच्छे से हो गया। ये देखिए मैंने 2 अदद गिलास ले लिए सर्व करने के लिए। अभी कोई से भी गिलास ले लीजिएगा। और अब मैं इसके अंदर यही मिल्क शेक डालूंगा जो हमने आपके सामने ब्लेंड किए। इसमें भी डाल दूंगा। एक मरतबा ये आप जरूर बनाइएगा, बच्चों को जरूर पसंद आएगा। और अब मैं इसके ऊपर डालूंगा व्हिप कीवी क्रीम। इसके अंदर मैंने चॉकलेट सिरप डाल दिया था, ये मैं ले रहा हूँ क्योंकि मैं रेस्टोरेंट स्टाइल बना रहा हूँ तो उसमें ये होता है। इसमें भी डाल दूँगा और बच्चों को तो वैसे भी ये चीज़ें पसंद होती है, आप ज़रूर बनाइएगा। और अब मैं इसके ऊपर गार्निश कर लूँगा चॉकलेट सिरप। और अब मैं लास्ट में इसके अंदर डालूंगा आइसक्रीम स्कूप। वनीला आइसक्रीम यूज कर रहा हूँ यहाँ पर मैं। यहाँ गर्मी बहुत है इसलिए आइसक्रीम पिघल रहे। इसमें भी डाल दूंगा। और अब मैं दोबारा से इसके ऊपर क्रीम की लेयर लगा लूंगा इस तरीके से। इसके अंदर मैंने स्टार नोजल रख दिया था, इस तरीके से कर लूंगा। और इस पर भी एक मरतबा आप ये बच्चों को ज़रूर बना के दीजिएगा, बच्चे खुश हो जाएंगे। चले और अब इसे डेकोरेट कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक चॉकलेट रोल ले लिया, इसमें रख दूँगा और एक इसमें। इससे बहुत प्रेजेंटेबल लगेगा, रेस्टोरेंट स्टाइल है तो थोड़ी डेकोरेशन तो होगी ना। और एक मैं रख रहा हूँ ओरियो बिस्किट, इसमें और इसमें भी रख दूंगा। और अब मैं लास्ट में इसके ऊपर डालूंगा चॉकलेट सिरप, इस तरीके से ड्रिजल कर दूंगा मैं। और इस पर भी तो बहुत ही सिंपल तरीके से रेस्टोरेंट स्टाइल चॉकलेट मिल्क शेक हमारा तैयार है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे।
बताइएगा जरूर कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। अगर आपको ये रेस्टोरेंट स्टाइल चॉकलेट मिल्क शेक की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें, क्योंकि उससे आने वाली मेरी हर वीडियो हर रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। और मेरे वीडियो को आगे से आगे शेयर करें। फिर नए रेसिपी के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।